बंदी घर में कन्हैया आधी रात समैया ने। भगवान श्री कन्हैया जन्म ले लिए, सोहर हुआ वासुदेव देवकी, कन्हैया जी अंदर हैं, सूप में लहे हैं, अब बाहर जाए गए बतावा गेट के खोले पे हम बंद करेंगे भी रहा बैठ के रहे। एक बार जान लिया सेंटर बाजी करे में वो जमाना चला गया। अब दादा है अब जानत है अब तो यही भरे में बताएन कहें अब ज्योति बताएन कहीं ना बरही हो तो बस सही बात या बरही होत बात बरहीन तक नहीं। जब सवा महीना हो जाए जहाँ धड़कंदो नो मनावा जाता हुआ तक अगर गौबे तो कम कम तीन रात के भी रहा भाई। ये करें भरे में ही अंदर आई भरे में भैया जी अरे जवान हो गए तो बड़ी बहुत 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 माया बोल कर बैठन पंद्रह ठिटेरी बता दे पंद्रह माया उनकर। लेकिन गौर करेंगे आप सब हम बताए कि गेट के खोले रहे शांता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। विराह की बारीकी पे गौर करेंगे शांता का नाम सुने होंगे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की बहन थी। जब 14 वर्ष का वनवास करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पुनः अपने जब अयोध्या में आगमन किए माई सीता से जाए के शांता कहा कि रावण कैसे रहे बताई देती भौजन स्टाइल या बता दे तू भौजन कैसे रहे। माता सीता जी गौर करेंगे 14 वर्ष वनवास में थी लेकिन उनका चेहरा नहीं देखी कहीं ननदो हम कुछ नहीं देखे केवल रावण की औंठा देखे केन औंठा ही बतावा कैसे रहन जितना औंठा जानत रहे उतना तो बनाई दे सीता जी। आ शांता कला में परिपूर्ण औंठा के सहारा लेके पूरा रावण के चित्र तैयार कर दी। बोलाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहें भैया ये बाप रे बाप भैया निकुरा निकुरा कटवाई दे कहन के कहन भौजी कहन का भा कहन जहाँ गई रही देख ला उनका पूजा करती है तस्वीर बनाई देखा झगड़ा लगाए धर कट से। गौर करेंगे दोस्त ये पढ़े लिखे साथी बैठे हुए हैं अच्छा इतना जब बात बताए आए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हर बात को छोड़ करके और क्रोध में आंखें लाल कर देते हैं और अपने भाई लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं कि हटा दो इसे मेरे नजरों के सामने से हटो इसे। भैया क्या बात है भैया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कह दिए हरे लक्ष्मण हरे यार जिसने इसका हरण किया इसके लिए हम लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी बताओ रावण के तस्वीर बना के पूजा कर दिया है। अब मैं तब मानता शांता को कि शांता ने झगड़ा करवाया है जब शांता रावण के देखे रहा तब वो तो देखे नहीं था कैसे चित्र तैयार था। गौर करेंगे दोस्त इस बात पे भेज दे लक्ष्मण के कहन ले जान कर दहिना हाथ काट के लेके आया हमका देहा तब भाई हम जानब भाई हमारे दिल के संतुष्टि लेके गए। लक्ष्मण सोचत है कि बाप रे बाप जिस भाभी माप का मैंने चरण धो के पिया। गौर करेंगे दोस्त आज के जमाने में इसे देवर न मिले जिस भाभी माँ का चरण धो करके मैंने पिया जिस मिट्टी को मैं चंदा मृत मान करके तिलक लगाया आज वही भाभी माँ के ऊपर वार कर देंगे जिस हाथों से मैंने आशीर्वाद लिया आज उसी हाथ को मैं काट दूंगा। जाने के बाद इतना सोच रहे और भाभी माँ को बगल में खड़ा करने के बाद चिता सजा देते हैं। अरे धड़कती हुई चिता में चल करके राख हो जाऊंगा लेकिन भाभी माँ मैं आपको आज तक नहीं आने दूंगा। चिता सजा लिए जब जलना चाहते हैं तब भगवान श्री विश्वकर्मा जी के अवतार हो जाता है। क्या बात है अरे लक्ष्मण इतना जल्दबाजी में तब लक्ष्मण बताए कि प्रभु मेरे भैया को गलत फहमी हो गई है कहने काम करा कहन कहा कहन सीता के छोड़ दिया तू हाथ जी काटा हल्ला माया का हाथ बना करके दे दिए माया का हाथ बना करके दे दिए और लक्ष्मण लगे अपने भैया के देहन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अति प्रसन्न हो गए। जब लक्ष्मण हुआ से चले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी उठे तब हाथ सवाल करता है कि स्वामी सबके तो अपने अपने घाटे लगाई दे हम कमने घाटे जाओ कहन की मतलब कहन अगर मुझे आपने बुलाया है किसी भी कारण से अगर मैं आपके पास आया हूं तो मैं आपके काम आ जाना चाहता हूं स्वामी हमका इसे जीवित होकर तब वही आशीर्वाद देते हैं कि अगले जन्म में जब हमार अवतार हुई तो हमार उद्धार तुहिन कर दिया। जब
भगवान श्री कन्हैया का अवतार होता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का, तो गेटवा वही हथवई माया बन के आके खोले रही। ई तो हमारे विराह के मान लिया आगे के कहानी है, हम बताए थे कि हाथ के खोले रहा गेट।